मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जेईई की परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी के साथ गुजराती में आयोजित करने और बंगाल भाषा सहित क्षेत्रीय भाषा नहीं कराने पर आलोचना की गई है। आपको बता दें कि भाजपा के महासचिव व प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। आपको बता दें श्री विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के लिए पहले ममता जी अपने गिरेवान में झांक लें। 2013 में आपकी सरकार के टेक्निकल विभाग ने बंगाल भाषा में जेजेई की पहल क्यों नहीं की, जबकि नेशनल टेक्निकल विभाग ने राज्य सरकार से मांगा था, लेकिन आपकी सरकार सो रही थी, उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल की बदतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बतौर मुखिया सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, ऐसा तंज कसते हुए विजयवर्गीय दिखाई दिए। आपको बता दें कि और भी काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आए कैलाश विजयवर्गीय ममता पर पलटवार करते हुए, उनकी बेकार शिक्षा नीति को बताते हुए, इस वीडियो में सुनिए और क्या कुछ कहा विजयवर्गीय ने। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि ममता बनर्जी जो कि एक जवाबदार मुख्यमंत्री है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जेईई की एग्जाम है बंगाली में नहीं हो रही है। जरा अपने विभाग के अधिकारियों से पूछे कि 2013 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यह अवगत कराया गया था कि आप अपने राज्य की भाषा में यदि एग्ज़ाम कराना चाहते हो तो हमें अवगत कराए। क्या आपकी शिक्षा विभाग ने, टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखा है? आप केंद्र पे आरोप लगाने के पहले अपने गिरवा में झाके ममता जी कि आपकी सरकार सो रही है, इस प्रकार तिकड़म की राजनीति से आप केंद्र को बदनाम नहीं कर सकते। आपका एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं, बंगाल का एजुकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया, इसलिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इसलिए केंद्र सरकार के। SPN 9 न्यूज़ से नाजमिन की रिपोर्ट।